भाई साहब कितने बड़े बड़े हैं। माय गॉड। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। तो आज से भाई ब्लॉग्स जो होंगे थोड़े से छोटे रहेंगे, मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो गया इंटरनेट का, तो इसीलिए थोड़ा अभी ब्लॉग्स छोटे छोटे आने वाले हैं, क्योंकि जितने भी बड़े ब्लॉग्स बनाओ उतने में ही देरी होती है। तो अभी तो भाई इतनी देर से ब्लॉग स्टार्ट करने का भी रीज़न है कि सुबह से बस यही सोच रहा था कि बड़े ब्लॉग बना के एडिट कर लूँ, मेहनत करूँ इतनी, और फिर अपलोड कैसे करूँ, क्योंकि थोड़ा इंटरनेट का इशू हो गया है। एंड फिलहाल ठीक हो जाएगा वो दो तीन दिन में। सुबह से नहाई है नहीं और अभी जा रहे नहाने हैं, और खेतों में जाके मटर तोड़ के लाई हैं, है ना। मटर को क्या कहते हैं? पी। एंड गाइस बता दो ना, मैं आज मतलब हम लोग के बगल में जो खेत है ना उसमें हम लोग ने मटर है और क्या है, यस बताना जरा। मटर है हाँ, भुइया है, मटर है, घुइया है, मूली है, मूली है, सरसों है, सरसों है, मिर्ची है, मिर्ची है। भाई पूरी खेती कर रखे हैं 1000 स्क्वायर फीट में, है ना, 1000 स्क्वायर फीट में मस्त खेती कर रखे हैं। अंदर AK-47 चला रहे हैं जो कि बहुत गलत। हाँ बताओ, डुबू की गन चला रहे हैं, मेरी गोली खो जाती है। अच्छा, जो बुलेट है उसकी। फिलहाल मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ डीके के पास, थोड़ा काम है वहाँ पे, एंड फिर वहाँ से शाम को यहाँ आएंगे जिम वगैरह करके। ठीक है, तो अभी मैं, काजल और यश हम लोग अकेले हैं घर पे, दद्दू भाभी गए हैं बाहर मार्ट से शॉपिंग करने, और भाई साहब यश यहाँ पे एकदम से क्या बचा है, आतंक मचा रखे हैं। काजल को देर से परेशान कर रहे थे, आज काजल गई थी यहाँ पे पहली बार चाय बनाने, और यहाँ पे भैया इन्होंने इतना इरिटेट किया है इनको, भाई साहब 3 कप फोड़ दिए हैं लिटरली। इनका हाल होने वाला ना अभी, जब भाभी आएंगी इनको आज फोड़ने वाले। वो कितनी भी सफाई दे दो, आज जब भाभी आएंगी अभी इनको ना फुटबॉल की तरह भाई भी इनका गेम होने वाला है, फुटबॉल बना के पैरों से मारेंगे। इस सुबह दद्दा भाभी घर आ चुके हैं और कंबल लेने गए थे, एंड भाई साहब यहाँ पे दद्दा और भाभी यश और काजल, मैं भी जा रहा हूँ, सब लोग हाथ सेक रहे हैं क्योंकि लखनऊ में भाई बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, इतनी ज़्यादा ठंडी हो रही है कि अभी मैं भी गया था बाहर, एकदम ठंड हो गया हूँ। सभी सभी लोग यहाँ पे हाथ सेक रहे हैं काफ़ी देर से, और बहुत कस के ठंडी लगी भाई सबको। टाइम हो गया है 8:50, ये देखिए, और अभी जा रहे हैं खाना खाने सभी लोग। तो खाने में आज बना है दाल चावल मिक्स फ्राइड, बढ़िया ठंडियों में बहुत अच्छा लगता है खाने में। बस खाना आ चुका है और जा रहा हूँ खाना खाने। जैसा कि आपको भी पता है कि लखनऊ के अंदर इस समय 7 डिग्री 6 डिग्री 8 डिग्री 9 डिग्री तक की सर्दियाँ पड़ रही हैं, तो भाई इस सर्दी में ना अभी भाभी गई थी कंबल की शॉपिंग करने, और भाई भर भर के कंबल आ चुके हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े कंबल आ गए हैं, क्योंकि भाई सर्दी जा नहीं रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है यहाँ पे। जिसको ले चलना है आगे वाले रूम में, भाई साहब कितने बड़े बड़े हैं, माय गॉड। इसमें बुलाते हैं भाभी को और फिर इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। भाई सभी ऐसे लेकर बैठ चुके हैं, अब इसको भाभी अनबॉक्स करने वाली है। भाभी कहाँ खड़ी है ये देखो, अभी इसको अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, निकालो काजल चलो फटाफट। भाई साहब इनकी हाइट जो साइज है ना बहुत बड़ी बड़ी हो रखी है, निकालो निकालो निकालो, साइज दिखाओगे भाई साहब? ओ माय गॉड भाई, ओ कितना मोटा है, अरे यार इसमें तो बच जाएंगे ज्यादा बड़ा, काजल इसमें दब जाएंगी भाई साहब, कहाँ ज्यादा भाई भाई ये रजाई है कम्बल रजाई भाई, ओ भाई क्वालिटी काफी सही है, तुरंत तुरंत इंस्टेंट, हाँ इंस्टेंट गर्मी होती है। एंड भाई इसको करना होगा पैक अब हमको, और अब दूसरी वाली ये वाला निकालेंगे जो कि भाभी और काजल मिलके निकाल रही हैं। एंड भाई साहब आराम से भाई फाड़ कर रहे हो, ये ओके अनबॉक्सिंग हो रही है, तो ये भाई कवर है, देखो कितना ऊंचा भाई, ये कंबल है भाई साहब, ये कंबल है तो आज यश को भाई नया कंबल मिल गया फाइनली है, सॉफ्ट सॉफ्ट। तो भैया वाओ, मतलब ये जो वेटेड है ना बहुत भारी है गाइस, इसका जो वेट है ना अप्रोक्स
20 kg की है उसको, बहुत भारी भाई, बहुत भारी है। अब फाइनली इसको भी पैक करते हैं। एंड गाइस भाई यही आए हमारे यहाँ, कंबल दो नए, एक रजाई एक कंबल। बहुत सर्दी पड़ रही है इसलिए करनी पड़ी शॉपिंग। एंड आज जो था यहाँ का तापमान वो था 7 डिग्री। भाभी ने इन दोनों को अंदर करा दिया, भाई साहब भाभी हो गई है यहाँ पे सख्त, आई मीन बहुत ज्यादा कानून बढ़ा दिए हैं। एंड गाइस हो गए हैं भाभी के नियम बदल, मतलब बदल गए भाभी के नियम। अब भैया बाहर जाना है तो कैप लगानी पड़ेगी, ग्लव्स पहनना पड़ेगा, सॉक्स पहनना पड़ेगा, और सर्दी है तो अपने आप को बचाना पड़ेगा वरना भाई भाभी जी सुताई करेंगी। गाइस रात के बज चुके हैं 10:30 और आज के ब्लॉग में यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी वीडियो एडिट करना है और वीडियो लंबी नहीं कर सकता हूँ। तो अभी मेरे साथ लेटने वाले हैं काजल और यश, तो तीन लोग मस्त यहाँ पे सोएंगे। तो मिलते हैं कल एक नए दिन एक नए ब्लॉग में, तो बाय बाय एंड टेक केयर। It's not a game, it's a rage thing.